दोस्तों आज हमने बना दी है खजूर की बर्फ़ी। सबसे खास बात पता है इनकी क्या है? पहली चीज़ कि मीठा बिल्कुल भी नहीं डालना पड़ता, एंड सेकंड चीज़ ये बनती बहुत ही आसानी से है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और देखते हैं कैसे बनाई हमने ये बर्फ़ी। स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में, और आज हम बनाने जा रहे हैं खजूर की बर्फ़ी। तो ये जो खजूर की बर्फ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए खजूर, और खजूर ये जो देख रहे हैं आप ये डीसीडेड है, यानी इनके बीज निकले हुए ही हमने फ्लिपकार्ट से खरीदे थे। इसका जो परचेज लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। और हमने क्या कर लिया, खजूर पहले एक कटोरी में निकाल दी या छोटा सा पतीला इसमें लिया है, और हमने इसमें गर्म गर्म उबलता हुआ पानी डाल देना है। इलेक्ट्रिक केटल है हमारे पास, तो पानी गर्म करने की कोई समस्या है ही नहीं बिल्कुल भी। तो अब ये लो जी एकदम उबलता हुआ पानी, हमने इनको जितना भीगे ना ये, मतलब जितना इनका लेवल हो उतना ही पानी डाल के इसको आधे घंटे के लिए रख देना है। 10-20 मिनट थोड़ा सा पानी ऊपर नीचे हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता भैया, मैनेज हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। ये लो जी ये पतीला यहाँ रखा, और इसको अब ढक्कन लगा देते हैं, और ढक के हमें 30-40 मिनट भी हो जाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उसके बाद देखते हैं। लो जी टाइम बीत गया थोड़ा, और अब इनको देख लेते हैं। थोड़ा थोड़ा ना जो पानी में ना गुड़ का सा कलर आ जाएगा, और वो पानी मीठा भी हो जाएगा। तो बेसिकली ये पानी जो है वेस्ट नहीं बिल्कुल भी करना, और खजूर के साथ हमने क्या करना है, मिक्सर जार में इनको डाल लेना है और इसको ग्राइंड कर लेना है। मिक्सर कोई भी हो आपके पास अब चलेगा, लेकिन बस ध्यान रखना दरदरा आप रखना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको ज़्यादा पेस्ट बनाना चाहें वो भी रख सकते हैं, जैसा आपकी खाने की इच्छा होना वैसा ही। क्योंकि दरदरा अगर रखेंगे तो टेक्सचर जो है बर्फ़ी का वो थोड़ा अलग ही लेवल का आने वाला है। तो यहाँ पे हमने कुछ इसको ऐसा कर लिया है, मतलब मोस्टली दरदरा नहीं रखा है, कुछ कुछ छोटे छोटे पीसेस बच गए हैं इसके खजूर के, अदरवाइज़ मोस्टली जो है पेस्ट बन गया है। अब हमने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें 2 चम्मच बेसन डाल लिया है। 2 की जगह 3 भी डाल लेंगे ना तो भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये लो जी बेसन जैसे ही गर्म हो जाए, थोड़ा सा भुन जाए, हमने इसमें 2 बड़े बड़े चम्मच घी ऐड कर देना है। घी आपकी श्रद्धा से डाल सकते हैं, जितना मर्जी डाल लीजिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर भी हो जाएगा तो भी कंज्यूम हो जाएगा और कुछ आपको ख़राब भी नहीं करने वाला है। तो चलिए जी अब सही टाइम है इसको, जो पेस्ट हमारा बना है खजूर का, इसको ऐड करने का। ये लो जी कितना सिंपल सा है, बेसन गर्म होता है, गर्म होते ही आपने घी डाल देना है, और दोनों जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए तब आपने ये पेस्ट डाल देना है। ये लो जी बस इसको घुमाते रहना है, और इसके अलावा आपको कोई काम नहीं है। और ये देखिए थोड़ी देर मिक्स करने के बाद अच्छी तरह घुमाते रहेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये जो आपका कढ़ाई है इसको छोड़ना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब ये जो परफेक्ट टाइमिंग हो गई है, ये इसको ठंडा करेंगे और इसकी बर्फ़ी बना देंगे। मीनवाइल एक छोटी सी चीज़, ड्राई फ्रूट अगर घर में अवेलेबल हो तो वो डाल सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है। हमारे पास काजू और बादाम थे तो हमने छोटे छोटे पीसेज में इनको काट लिए हैं और रेडी कर लिए हैं ताकि बर्फ़ी के ऊपर लगाया जा सकते हैं। अगर आप अंदर मिक्स करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऊपर से एक लेयर इनकी डाल सकते हैं। तो एक कटोरी ले ली हमने बड़ी, और इसमें घी को अच्छी तरह से लगा लिया है। और ये लो जी जो पेस्ट हमारा बन के रेडी हो गया जो बर्फ़ी वाला, इसको हमने कटोरी में निकाल लिया और थोड़ा सा जमा देंगे इसको अच्छी तरह से। ये लो जी ये पलटे के अगर चिपकना वैसे बंद हो जाएगा क्योंकि ये घी के कारण, घी ये जो अपना है करिश्मा दिखाना स्टार्ट कर दे। और ये लो जी ड्राई फ्रूट अपने इसके ऊपर स्प्रेड कर देने, थोड़े थोड़े चम्मच की हेल्प से आप इसको जमा देंगे ताकि ये ड्राई फ्रूट बाहर निकले भी ना, और दूसरा टेक्सचर भी जो है इनका बहुत अच्छा सा आ जाए। ये लो जी अब हमने क्या कर देना, इसको आधे घंटे के लिए रख देना, और आधे घंटे के बाद हमें क्या काम करना है, एक चाकू लेना, हल्का हल्का इसके ऊपर घी लगाएंगे और इसके जो पीसेज हैं वो काट देंगे। अगर आप रखना चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, और मेरी या फिर मैं कह सकता हूँ हमारी सजेशन तो यही है भैया कि इसको 1-1.5 घंटे के लिए रखना चाहें फ्रिज में तो भी कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से पीसेज निकल जाएंगे। और इसको 4-5 घंटे ठंडा होने के लिए रख दें, क्योंकि बेसन जो हमने यहाँ पे बहुत कम यूज़ किया है, और जितना ज़्यादा टाइम रखेंगे ये अच्छी तरह जो बर्फ़ी है वो जम जाएंगी आपकी, और खाने में ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो देख के आपको अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि इतनी आसान है इस बर्फ़ी को बनाना। तो आप कब बना रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, ऐसे ऐसे वीडियोज़ हम आपके लिए और भी लाते रहेंगे।